नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। आप मुझसे कहोगे, अरे भाषण में आप नोटबंदी की बात कर रहे हो, आप गब्बर सिंह टैक्स की बात कर रहे हो, वो तो हो गया, आप भविष्य की बात क्यों नहीं करते? आपके दिल में यह सवाल उठ सकता है कि राहुल गांधी भविष्य की बात क्यों नहीं कर रहे? मैं बताता हूं आपको। 5 महीने पहले हमने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया और मैंने उनसे कहा, देखिए नरेंद्र मोदी ने 5,55,000 करोड़ रुपए महिलाओं से चोरी करके उनको दिया है, किसानों से चोरी करके उनको दिया है। मैं और कांग्रेस पार्टी किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को उनका पैसा वापस लौटाना चाहता हूं। जो नरेंद्र मोदी ने आपसे लिया उससे ज्यादा हम आपको देना चाहते हैं। मैंने कांग्रेस की टीम से कहा, मुझे कहते हैं आप क्या कह रहे हो। मैंने कहा सीधा बता देता हूं, मैं कह रहा हूं कि 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हम पैसा डालना चाहते हैं। हिल गए, कहते राहुल जी क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे थोड़ी होता है। 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसे ऐसे थोड़ी डालती है सरकार, ये आपको गलतफहमी है। मैंने कहा कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने उनसे पूछा, बताइए ये जो नीरव मोदी है इसके बैंक अकाउंट में क्या जापान की सरकार ने पैसा डाला, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने डाला, चौकीदार ने डाला, उन्होंने 15 लोगों को डाला। मैं अनिल अंबानी की जेब से पैसा निकाल के जनता की जेब में डालना चाहता हूं। कहते हैं कितने लोगों की बात कर रहे हैं। मैंने कहा 25 करोड़, एक कम नहीं, 5 करोड़ परिवार। और यहां जो पुरुष आए हैं मुझसे गुस्सा मत होना, मैंने कह दिया देखो पैसा जाएगा तो माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा, फिर आपको उनसे लेना पड़ेगा, ये आपके बीच में उनके बीच में, मैं नहीं जानता, मैं बैंक अकाउंट में पैसा डाल दूंगा, फिर आप जाके उनसे मांगना। पैसा का इस्तेमाल वो आपसे अच्छा करती है, उनकी प्लानिंग अच्छी है, दूर की सोचती है वो। देखो ताली बजानी सब, मैं बता रहा हूं आपको, आपको अच्छा लगे ना लगे, मगर ये दूर की सोचती है, ये 10-15 साल 20 साल बाद की सोचती है। आप आज का सोचते हो, 10-15 दिन का सोचते हो, 1 महीना का सोचते हो, ये 10-15 साल की सोचती है, इसीलिए हम इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालते। मगर मैं जानता हूं आप होशियार हो और आप बातचीत करके उनसे पैसा ले लोगे, जानता हूं। तो ये आपके बीच में, उनके बीच में। खैर, टीम ने मुझे कहा ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो। मैंने कहा देखिए आप ऐसे करिए, पता लगाओ, अगर नहीं कर सकते तो बता देना, अगर 100 रुपए डाल सकते हो तो वो बता देना, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, छोटे दुकानदारों का, मिड साइज बिजनेस वालों का, बड़े बिजनेस वालों का नुकसान नहीं होना चाहिए, फायदा होना चाहिए हिंदुस्तान का। अगर आप मुझे कहोगे 1,000 रुपए डाल सकते हैं तो 1,000 डालेंगे, जाओ पता लगाओ। 4-5 महीने बाद वापस आते हैं, भैया मुझे पेन देना है ना, कागज पे मेरे सामने यू नंबर लिख देते हैं, मैंने नंबर मांगा था, यू नंबर लिख देते 72,000। मैंने कहा ये क्या, कहते 72,000 रुपए। मैंने कहा मतलब, कहते राहुल जी आपने कहा था 5 करोड़ परिवारों को पैसा देना है, 25 करोड़ लोगों को देना है, हम बिना किसी के नुकसान किए 72,000 रुपए साल का 5 करोड़ लोगों को दे सकते। मैं हिल गया। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो, 72,000 रुपए एक साल के 5 करोड़ लोगों को, कब तक? कहते जब तक उनकी आमदनी 12,000 रुपए से कम की होगी तब तक हम देंगे। मैंने कहा मतलब 5 साल में 3,60,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों को, कहते हाँ। मैंने कहा आपने तो कहा था कि ऐसा काम नहीं किया जा सकता है, कहते हमने सब इकोनॉमिस्ट से पूछा, दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछा, राहुल जी इस काम को किए बिना
हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्टार्ट चालू ही नहीं होगी। मैंने कहा समझाइए। कहते हैं नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, माताओं से, बहनों से, किसानों से, सब लोगों से पैसा छीना। जैसे ही पैसा निकला, अनिल अंबानी की जेब में गया, हिंदुस्तान के लोगों ने माल खरीदना बंद किया। ये जो हमारी बहनें आई हैं, ये पहले साड़ी खरीदती थी, अगर नोटबंदी से पहले ये दो साड़ियां खरीदती थी, नोटबंदी के बाद मुश्किल से एक साड़ी खरीदती। जूता, शर्ट, पैंट, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट जो पहले बिकता था, बिकना बंद हो गया। किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, कहेगा नोटबंदी के बाद नुकसान हुआ, दुकान बंद हो गई। जैसे ही माल बिकना बंद हुआ, दुकानें बंद हुई, वैसे ही फैक्ट्रियां बंद हुई। जैसे ही फैक्ट्रियां बंद हुई, फैक्ट्री के मालिक ने युवाओं को बुलाया, इधर आओ बेटा, क्या है, चलो घर जाओ, वापस जाओ। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, वहां पे कुछ बिक नहीं रहा है, हम कुछ बनाना नहीं चाहते, हमारा तो नुकसान हो रहा है, कोई खरीद नहीं रहा, वहां पे पूरा का पूरा माल जाया हो रहा है, चलो घर जाओ। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। अब न्याय योजना क्या करेगी? न्याय योजना डायरेक्ट माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालेगी, 6,000 रुपए। ये देखो, ये समझ गए इनके पास पैसा आ रहा है, इसलिए ताली बजा रही है, आपसे जोर से ताली बजा रही है। 6,000 रुपए हर महीने खटाखट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 6 महीने 6,000 6,000 6,000। अच्छा, अच्छी बात बताता हूं आपको, हम महीने का 6,000 बोल रहे हैं और हम 5 करोड़ परिवारों की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने दिन के 17 रुपए दिए, साल के 6,000 रुपए, वो भी सिर्फ किसानों को। जैसे ही पैसा आएगा, आप माल खरीदना शुरू करोगे, जैसे ही माल खरीदना शुरू करोगे, दुकानें शुरू हो जाएंगी, दुकानदार बेचना शुरू करेंगे, जैसे ही दुकानदार बेचना शुरू करेंगे, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, मध्य प्रदेश के युवाओं को बुलाकर फैक्ट्रियों के मालिक कहेंगे, बेटा इधर आओ, फैक्ट्री चालू हो गई, माल वहां लोग खरीद रहे, चलो चलो काम चाहिए, काम करना है, चलो काम शुरू करो। बेरोजगारी कम होगी, लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को न्याय योजना से रोजगार मिलेगा, दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएंगी, माताओं बहनों की जेब में पैसा, घर में पैसा आ जाएगा। एक कदम, छोटा सा कदम। आप ये मत सोचो कि न्याय योजना बहुत बड़ा काम है, नहीं, इतना बड़ा काम नहीं है, ये आपका हक है। ये जो आपको नुकसान पहुंचाया गया है, वो उसको ठीक करने का काम है।